आपको याद हो पुरानी पिक्चरों में जो है जब चोर कहीं डकैती करते थे जो है तो क्या नारा देते थे आपको याद है, क्या कहते थे? जय भवानी। तो ये उसी प्लैंक पे जा रहे हैं, एक तरफ देश को लूट रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोगों को जो है धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे बहला फुसला के मतलब उन चीज़ों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं ये, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इनके पास। और इनकी बात सच हो रही है, ये कहते थे ना ये तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, शुरू कर दिया काशी पे काम इन्होंने। जब राजा ही अन्याय करने लगे जो है तो क्या उम्मीद की जाए। बाकी तो आप जान लो ये हिंदुस्तान जो है अंग्रेजों को खदेड़ के वहीं पहुंचा दिया जहां से आए थे, तो इनकी तो हैसियत क्या है, ये तो देश में ही नागपुर से चल के आए, तो इनको भी चिंता मत करो आप, वहीं पहुंचा देगा देश का आदमी। तो क्या बीजेपी को मुद्दा मिल गया एक और बाबरी मस्जिद के बाद ये दूसरा? बीजेपी को मिल कहां गया, ये तो पहले से उनके एजेंडे में था। अब ये तो जनता धीरे धीरे समझ रही है, कुछ तो आप पुराना अभी जो पीछे इलेक्शन हुआ है उसमें ही देख लो, कुछ तो लोगों की समझ में आया है, और बाकी अब धीरे धीरे और जब ये पेट्रोल सैकड़ा पार कर गई है और डीजल भी सैकड़ा पार कर गया है, सीएनजी बची थी तो वो भी सैकड़ा की तरफ को अग्रसर है, तो धीरे धीरे अब लोगों की समझ में आएगा। जो सिलेंडर भी आज 1000 पार कर गया है, आप ये देखो इन्होंने लोगों को झांसे में देखे, मैं तो कहूँगा झांसे में देखे, इन्होंने सबको एक एक सिलेंडर दे दिया कि लो साहब ये सरकार की योजना है। लेकिन इनडायरेक्ट वे में देखो, जैसे कभी जियो को प्रमोट किया था ऐसे ही इन्होंने गैस को प्रमोट किया है, कि आम आदमी जो है कैसे इनका वो बने, तो ये तो बिल्कुल खुले आम कंपनियों की सरकार चल रही है इस टाइम। जो आप कह रहे हैं कि अब लोगों की समझ में आ रहा है, तो समझ में सही आ रहा है? नहीं, पूरी तरह नहीं आ रहा। पूरी तरह समझ में आया होता तो इनका अब तक काम हो गया होता, ये जोगा भोगा वहीं पहुंच गए होते जहां से आए। सर आप भी एक साल एक महीने बैठे थे सरकार को समझाने के लिए। ऐसा है, हम जिस मकसद को लेके दिल्ली में आए थे, सरकार चाहे देर से ही मानी लेकिन मानी कि जो हम कह रहे थे वो सही कह रहे थे, और सरकार ने देखो जो है मतलब क्या कहें इसको, कान पकड़ के दंड बैठक लगाई और हमसे माफ़ी भी मांगी और बिल वापस भी ले लिए। तो बताओ हम क्या गलत कह रहे थे, हम सही कह रहे थे नहीं कह रहे थे? पहले दिन से हम यही कह रहे थे कि भाई ये तुम हमें पिला रहे हो, ये अमृत नहीं है, ये जहर है, हम मर जाएंगे इससे। तो तब नहीं मानी सरकार, लेकिन बाद में देखो हमारी बात मानी और बिल वापस लिए उन्होंने। कहाँ मानी सारे हुए नहीं आपके पूरे जो जो वादे थे, कहाँ कौन से मानी? अभी भी कई मुद्दों को लेकर के कई संगठन तो लखीमपुर जा ही रहे हैं ना। देखिए ये तो उस टाइम हम अपनी बात नहीं मानते तो देश का मीडिया ये प्रचार कर रहा था, देखो ये तो अड़ियल हैं, ये तो समझना ही चाहते, ये तो झुकना ही नहीं चाहते। तो हमने भी एक मानवीय पक्ष रखा था, ये देश की सरकार से बात हो रही है, किसी बाहरी से बात नहीं हो रही, कोई पाकिस्तान सरकार से बात नहीं हो रही, तो हमने इसीलिए माना ये हमारे देश की सरकार है, चलो हमें आश्वासन दे रही है, हम मानते हैं। अब ये थोड़ी पता था कि ये बिल्कुल 180 डिग्री पर टर्न मार जाएंगे। यदि हम इन पे विश्वास नहीं करते तो देश के लोग ये कहते हैं कि देश का किसान तो अड़ियल है, अड़ गया है बैल की तरह। तो हम तो भैया अड़े नहीं थे, हम तो सॉफ्ट हो गए थे। अब ये इनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जो इन्होंने आश्वासन दिए, ये किसी व्यक्ति विशेष ने आश्वासन नहीं दिए, ये भारत सरकार ने आश्वासन दिए। ये भारत सरकार को अपनी क्रेडिट बनाए रखनी है तो इन आश्वासनों को पूरा करना पड़ेगा। यादव जी देखा जाए जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा था, फिर काशी की बारी आई। हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है, जब इन्हें लगता है कि पब्लिक में हम बेनकाब हो रहे हैं जो है, तो ये उसी प्लैंक पे चले जाते हैं। ये तो इनकी वो क्या कहें, ये तो सजीवनी है जो है, ये इसी से तो जिंदा है, ये हटा दो इनके उससे, ये तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर सकते। आज देश ऐसी पोजीशन में उन्होंने ला के खड़ा कर दिया है। WHO ने अभी एक डाटा जारी किया है, अब आप मान लो एक वर्ल्ड की इतनी बड़ी संस्था है, ये उसके डाटा को झुठलाना चाह रहे हैं, तो ये तो झूठों की सरकार है। अब इस पे क्या टिप्पणी करवा रहे हो? शंकराचार्य भी दो दिन पहले जो है ताजमहल पहुंच जाते हैं कि हम यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जो है जो कुतुब मीनार है वो भी जो है मंदिर हुआ करता था। एक बात कहूँ आपसे, ये शंकराचार्य नहीं है, ये तो इनके दरबारी भाट है, जैसे पहले के राजा भाट रखते थे ना जो है, ये उस टाइप के भाट बन गए हैं कुछ नए आज के जमाने में, चौंगा उड़ के जो है, और बस ये तो इनके एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। एक इनको जो है क्या कहना चाहिए, गाइडलाइन दे दी जाती है कि अब किस डायरेक्शन में ले जाना है। आप नहीं तो ऐसे तय करो, देश में आज मतलब 10 नहीं मैं तो कहूँगा सैकड़ों चैनल हैं, लेकिन शाम को आप डिबेट देखो, सारे चैनल की डिबेट एक ही मुद्दे पर होती है, तो इन्हें क्या भविष्यवाणी हो जाती है सारे चैनल वालों को?
तो ये तो जान लो कि ये तो सरकार के ही एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, ये उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या, क्या लगता है यादव जी आपको 2024 की तैयारी चल रही है इस तरीके के? ये 2024 की तैयारी मतलब आप इसको इनडायरेक्ट वे मत कहो, ये तो डायरेक्ट वे में तैयारी चल रही है। रिजल्ट आया था उसी दिन प्रधानमंत्री जी का बयान था कि ये तो क्या कहना चाहिए, हमने प्री फाइनल जीत लिया। तो ये तो अपने आप को प्रचारित कर रहा है इस तरीके से। क्या लगता है कि जिस तरीके से ये आज जो है कोई ताजमहल के मंदिर बनाने की बात कर रहा है, कोई कुतुब मीनार पे मंदिर बनाने की बात कर रहा है, कोई आने वाले टाइम में जो है लाल किले पे भी मंदिर बनाने की बात करेगा, किस इन बातों से कहां तक सहमत हैं फिर आप? अपनी शब्दकोश में से तीन शब्द हटा दो जी, हिंदू पाकिस्तान मुसलमान और कश्मीर, इसके अलावा जो है बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज आप देखो बेरोजगारी कहाँ जा रही है, WHO ने भी एक रिपोर्ट दी है कितने लोगों की मौत हो गई, उस पर चर्चा नहीं करेंगे ये। ये चर्चा ऐसी बातों पर करेंगे कि कहीं दो पैसे का किसी गरीब आदमी को फायदा ना हो जाए। ये ऐसी चीजें ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, आप उलझे रहो वहाँ, और ये देश पूरा अंबानी और अडानी के यहाँ गिरवी रखे दे रहे हैं। अब चर्चा इस चीज़ों पर होनी चाहिए, इन चीज़ों पर चर्चा कतई नहीं होनी चाहिए, हम तो ये कहेंगे। क्या आपको नहीं लगता है यादव जी मंदिर बनाने से भिखारी पैदा होते हैं और स्कूल कॉलेज डिग्री मतलब बनाने से जो है अधिकारी पैदा होते हैं, किस बात से सहमत हैं आप ये बताइए? देखिए हम इस चीज़ के भी दुर्विरोधी नहीं है कि देश में मंदिर न बने, देश में मंदिर हों वो भी एक हमारी सांस्कृतिक पहचान है, वो भी कायम रहे, लेकिन हम अंधविश्वास पर यकीन कतई नहीं करते, 1% भी नहीं करते। तो देश में मंदिर भी रहे, ये नहीं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत मिट जाए, लेकिन देश का टेम्पर जो है साइंटिफिक होना चाहिए, हमारी जो ये सोच है ना ये वैज्ञानिक तरीके से, मतलब एक वैज्ञानिक कैसे सोचता है उस तरीके से भी हमें सोचना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत की बात की, ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है उसके नीचे कहा जा रहा है कि पुरातात्विक जो विभाग है वो सर्वे करे और अगर मंदिर है तो वो चीज़ आगे बढ़े, तो उसमें बुराई क्या है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं? उसमें बुराई तो ये है भैया कि मेरे बाबा ने तुम्हारे बाबा को कहीं कुछ गलत किया हो, आज अब मैं हो गया थोड़ा सा पावरफुल जो है तो आपके साथ इनजस्टिस करूं, तो ये तो कहीं गले नहीं उतरती है बात जो है कि पहले कुछ हो गया था अब तुम हमें पीछे 500 साल पीछे ले जाना चाह रहे हो, इसका मतलब तो यही हो गया। यानी आप ये कहना चाहते हैं वीडियोग्राफी कराना इनजस्टिस है? वीडियोग्राफी कराना इनजस्टिस नहीं है, देश को उस डिबेट में उलझाना इनजस्टिस है। वीडियोग्राफी खूब कराओ आप, लेकिन जो आज के समय के ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान क्यों भटका रहे हो भैया, उन पे तो जाओ आप। RSS और बजरंग दल को आप कैसे देखते हैं? ये केवल और जैसे पहले के राजा भाट रखते थे ना कुछ दरबार में, आज के ये दरबारी मीडिया ये हैं, इनके दरबारी ये दरबारी संगठन, ये सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे ज्यादा ये और कुछ है नहीं। अखंड भारत बनाएंगे RSS बजरंग दल, चुन चुन कर मालेंगे देशद्रोही। अब इनकी नज़र में कौन देशद्रोही है पता है जो है? इनकी नज़र में तो आप भी देशद्रोही हो गए कि ये आपने सवाल कैसे पूछ दिया, इन पे क्वेश्चन मार्क कैसे लगा दिया, इनकी बातों को तो समझो आप जो है, ये किसको देशद्रोही बना रहे हैं? इनके इनका हिस्ट्री निकाल लो आप जो है, इनके जो मूल पहले के जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले के जो संगठन थे वो क्या कर रहे थे, तो ये कहीं स्टैंड नहीं करते, ये तो दूसरों को जबरदस्ती तमगा उनके गले में डाल रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी पे विपक्ष नींद की गोली लेकर सोया हुआ है, कौन मुद्दा उठाएगा? वो जनता मुद्दा उठाए अपनी रोजी रोटी छोड़ के, या ये विपक्ष का कर्तव्य है कि वो इन मुद्दों को उठाए और जनता को अपने साथ जोड़ के चले? मेरा तो ऐसा मानना है साहब जो है कि अब इस देश को एक नए विकल्प की जरूरत है। जैसे आपको पता हो 1977 में जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐसा आदमी इलेक्शन जीत के आया था जो है, जिसको लोग बड़ा हल्के में लेते थे, जिस पर अपनी घर की जीप भी नहीं होती थी। तो इस देश में जो पुराने स्थापित लोग हैं, मेरा अपना ये मानना है, अब वो इनसे मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गलत हैं। तो इस देश को अब ज़रूरत है कि जो चाहते हैं कि मेरा देश बचे उस टाइप के लोगों को आगे आना चाहिए। जैसे इस देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अभी ये कि ये तथाकथित डिबेट खड़ी कर रहे हैं राहुल बनाम मोदी, तो मेरा तो ये मानना है कि देश में केवल राहुल ही नेता नहीं है, मोदी के कैलिबर का, मोदी से मतलब क्या कहूँ मैं, तो मोदी से 10 गुना विवेक रखने वाले इस देश में बहुत लोग पड़े। विकल्प पैदा कैसे हो, हर किसी ने अपनी एक पार्टी बना ली है, मानसिक रूप से एक पार्टी ज्वाइन कर ली है, उसके अंदर सहिष्णुता का भाव समाप्त होता जा रहा है, इंटॉलरेंस की चीज़ें उनके सामने आ रही है, तो विकल्प पैदा भी हो जाएगा तो जनता जो मसाला देखना पसंद करती है वो कैसे साथ देगी?
ये सृष्टि ऐसा, ये सृष्टि हर चीज का तोड़ रखती है, आप इसमें विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते। मेरा अपना ये मानना है इस प्रकृति के पास हर चीज का इलाज है, तो इनका इलाज भी ये सृष्टि कर देगी।